नाम डॉक्टर वात्सल्य उपाध्याय है। मैं इलाज वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पीएचडी कॉमर्स से करी है। तो पीएचडी जो व्यक्ति करता है उसको डॉक्टरेट लगता है, तो डॉक्टर इस वजह से लगा मेरे नाम के आगे। मैं देर से आया उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। देर से आने की वजह यह है कि मेरी पत्नी जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, शुगर एकदम से कम हो गई, इस वजह से मैं देर से आ पाया हूँ। हॉस्पिटल में भी छोड़ के आया हूँ, और आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपसे वादा किया था, इसलिए यहाँ आया। अभी आप लोग इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आप सब लोग छात्र हैं, आप सब लोग पौध हैं, इन सबकी लगाई हुई पौध हैं। जैसे इस तरह यहाँ पौध लगी होती है, आप सब पौध हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है अध्यापकों की कि आप सबको यहाँ तैयार कर रहे हैं, मगर आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इनकी लगाई पौध हैं, तो आप अपना नाम रोशन करें, इस विद्यालय का नाम रोशन करें। देखिए, अध्यापकों की सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है आप लोगों को पढ़ाना, वो पढ़ाते हैं, मगर आपकी भी जिम्मेदारी ये होती है कि आप सब पढ़ के और नाम रोशन करें। देखिए, जीवन में तीन लोग महत्वपूर्ण होते हैं, माँ, पिता और गुरु। माँ का काम ये होता है कि बच्चे को जन्म देती है, उसको संस्कार देना, ये माँ का काम होता है। पिता का काम होता है कि उस व्यक्ति को संस्कार, पौध को संस्कार, बच्चे को संस्कार देना और दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत बताना। मगर असली दुनियादारी जो सिखाते हैं वो गुरु सिखाते हैं कि आपको राह कैसे दिखानी है, वो सब गुरु के हाथ में होता है। तो अगर तीन महत्वपूर्ण अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति होते हैं, तो एक माँ होती है, एक पिता होता है, गुरु होता है, तो इन तीनों का सम्मान ज़रूर करें और इन तीनों की सिखाई हुई राह पर चलें। अगर आपको नाम रोशन करेंगे, इन तीनों का नाम रोशन होगा, और सबसे ज़्यादा नाम जो रोशन होता है वो गुरु का होता है, क्योंकि गुरु ही राह दिखाता है, गुरु ही आप सबको सिखाता है, पढ़ाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें, और आप कहीं भी कैसी मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए हम सब खड़े हैं। आप हिचकिचाएं ना, आप सब हमसे बताएं, मगर ऐसा ना हो कि गलत राह पर चल के अपने गुरुओं का नाम बदनाम ना करें। आपसे बस यही निवेदन मैं करने आया हूँ यहाँ पर।